हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सृष्टि और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आई नो बहुत टाइम से गायब हूँ, बट मैं आपको बता दूँ, मुझे वायरल हो गया था और वायरल होने के बाद उससे रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया। बिकॉज ऑफ दैट ये वाला व्लॉग बहुत टाइम से पेंडिंग था। आई डोंट नो इसका रेलिवेंस अभी कितना है, बट मुझे ये व्लॉग तब भी डालना था बिकॉज इसको मैं एज अ मेमोरी डाल रही हूँ, ताकि मुझे जब भी ये व्लॉग या ये चीज़ें देखनी हो, आई हैव समथिंग या समवेयर जहाँ मैं जाके देख सकती हूँ, उसको रिविजिट कर सकती हूँ। दैट इज़ वाई ये व्लॉग बहुत ही छोटा है। जितने भी स्पेशल मोमेंट्स थे या जो भी चीज़ें हम किए थे उस दिन, जो मुझे याद रखनी है या मैं देखना चाहूँगी आगे जाके, मैंने सिर्फ उतने पार्ट रखे हैं। बाकी पूरे दिन का जो व्लॉग था, आई थिंक इट वॉज अराउंड 10 मिनट्स, बट मैंने वो व्लॉग को काट काट के अब 4 मिनट का कुछ ला के रखा है। मुझे उतनी उम्मीद नहीं है कि ज़्यादा लोग इस व्लॉग को देखना चाहेंगे बिकॉज इसका उतना रेलिवेंस अब नहीं है। तो अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं देन थैंक यू सो मच, और अगर आप नहीं भी देख रहे हैं देन आई अंडरस्टैंड कि आप क्यों नहीं देख रहे हैं। सो मैं ज़्यादा बकबक करने के बजाय स्टार्ट करती हूँ इस व्लॉग को, लेट्स गो। गणेश जी को नहला के सबसे पहले हमने उनको फूल चढ़ाए, फूल माला चढ़ाई। आज उनके लिए स्पेशली मैंने कमल का फूल मंगाया था, जो उनके हाथ में आपको दिख रहा होगा। इसके बाद दूबी चढ़ाई, नारियल चढ़ाया, और उनके लिए जो भी मिठाइयाँ हमने मंगाई थी और बनाई थी वो सारी चीज़ें चढ़ाई। इसके बाद हमने हवन की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। हम आखिरी दिन उनकी विसर्जन से पहले करते हैं हवन, तो हमने हवन किया। हवन के बाद हमने करी भगवान की आरती। आरती होने के बाद मैंने गणेश जी को बांधा आनंद धागा। आनंद धागा आप लोग बांधते हैं कि नहीं मुझे जरूर बताइएगा, और आप इसको क्या बुलाते हैं ये भी जरूर बताइएगा। इसके बाद हमने गणेश जी को अपने पूरे घर में घुमाया। पूरा घर घुमाने के बाद हम निकल गए थे उनको लेके विसर्जन के लिए। हम विसर्जन के लिए जाते हैं, हमारे घर के पास एक आर्टिफिशियल लेक है, वहाँ पे हर साल विसर्जन करते हैं। इससे पहले हम नेकलेस रोड जाते थे विसर्जन के लिए, बट बहुत दूर हो जाता है। उसके साथ साथ विसर्जन के दिन बारिश होनी ऑलमोस्ट पक्की है कि गणेश चतुर्थी या गणेश विसर्जन हो और बारिश ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम अपने घर के पास ही विसर्जन कर दें। वहाँ पे विसर्जन करने के बाद सबको मिठाई खिलाई और वहाँ से निकल के वापस घर आए। आज विश्वकर्मा पूजा भी थी तो मैंने घर में छोटी सी पूजा करी। उसके बाद हम निकल गए थे नेकलेस रोड, जहाँ पे हम जाते हैं हर साल विसर्जन देखने के लिए। यहाँ पे आपको सारे गणेश, जितने भी हैदराबाद के बड़े बड़े गणेश पंडाल हैं, वो सारे गणेश के विसर्जन देखने मिल जाते हैं। एक ही जगह पे सारे गणेश जी के दर्शन हो जाते हैं, और इसके साथ साथ जो माहौल होता है वो बहुत ही प्यारा होता है। हर जगह लोग नारे लगा रहे होते हैं, गणपति पप्पा मोरिया, और उसके साथ साथ सब इंजॉय कर रहे होते हैं। सो गाइस, इस व्लॉग में इतना ही। आई होप आप सभी को ये व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे लिए एक लाइक जरूर छोड़ दीजिएगा। इट विल मीन अ वर्ल्ड टू मी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए सायोनारा।